वी विल कॉन्टिन्यू विद दी ओली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इकोसोनाइड आर डिराइड फ्राम आइदर ओमेगा थ्री और फ्राम दी ओमेगा सिक्स फैटी एसड्स पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कैरेक्डनिक एसिड लिनोलिनिक एसिड और लिनोलियक एसड जो हैं वो इकोसनाइड्स बना रहे हैं इसमें से कुछ ओमेगा थ्री फैटी एसिड हैं और कुछ ओमेगा सिक्स फैटी एसिड हैं तो जो ओमेगा सिक्स फैटी एसिड से जो बन रहे हैं इकोसनाइड्स दीज आर प्रो इन्फ्लेमेट्री ये इन्फ्लेमेशन को इनक्रीज करेंगे जबकि वाइस वर्सा जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड से जो है एकोसनाइज बनेंगे दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी इसको हम डि डि डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स इम्बेलेंस ऑफ ओमेगा सिक्स एंड ओमेगा थ्री पोफा पोफा इज दोली अन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स इन द डाइट के डाइट में एक पर्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए ओमेगा सिक्स और ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स का ताकि हमारी प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ना बढ़े अगर प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट बढ़ जाएगी आपकी तो विच विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन दी कार्डियोवेस्कुलर रिस्क इसी तरह अगर ओमेगा थ्री फैटी एसिड आप ज़्यादा लेते हैं तो कार्डियोवेस्कुलर रिस्क रिड्यूस हो जाएगा हम डिटेल में नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल में इसको डिफाइन करेंगे कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स कैसे बेनिफिशियल हैं तो रूटीन में जो हम इसका कैलकुलेट करते हैं वो फोर टाइम्स से ज़्यादा ओमेगा थ्री ये फोर टाइम्स से ज़्यादा ओमेगा सिक्स फैटी एसिड नहीं होने चाहिए ओमेगा थ्री के मुकाबले में अगर आप वन जो है ओमेगा थ्री ले रहे हैं वन ग्राम ओमेगा थ्री फैटी एसिड ले रहे हैं तो आप फोर ग्राम्स तक जो है ना ओमेगा सिक्स फैटी एसिड ले सकते हैं उससे ज़्यादा अगर रेशो चेंज हो जाएगी तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द प्रो इन्फ्लेमेशन एंड द कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड दी अदर डिफरेंट डिजीज लॉन्ग चेन ओमेगा थ्री फैटी एसिड सच एज अल्फ़ा लिनो एसिड एंड देयर डेरेवेटिव सच एज इकोसा पेंटिनॉइक एसिड एंड डोका हेक्निक एसिड हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ये वही बात हमने यहाँ रिपीट कर दी कि जो ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स जो हमने कहा है उससे से जो बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है जबकि ओमेगा थ्री जो है जो अल्पा लेना लेनिक एसिड है इसे एक ई पी ए बन रहा है और एक डी एच ए बन रहा है जो दोनों के दोनों दो का अफेक्ट जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इन एडिशन डी एच ए इज सेलेक्टिवली इनकॉर्पोरेटेड इन टू रेटिनल सेल मेम्ब्रेन्स एंड पोस्ट सनेप्टिक न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन्स के ये जो डी एच ए बन रहा है फ्रॉम द ओमेगा थ्री फैटी एसिड विच इज़ द दिनोलिनिक एसिड ये इनकॉर्पोरेट होता है रेटिना जो आई के अंदर होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर इसी तरह न्यूरॉन्स के पोस्ट सेनेप्टिक एरिया सैनैप के अगला एरिया जो होता है उसके अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन में ये डी एच ए ये उसी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है सजेस्टिंग इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन विजन एंड नर्वस सिस्टम कि ये रेटना रेटिना जो है वो आई के अंदर है तो इसका रोल डिफाइन हो रहा है कि ये विजन में है और इसी तरह जो पोस्ट हैं वो नर्वस सिस्टम के अंदर हैं तो ये डी एच ए जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका roa conversion ke baad, it, it into the retina or in the vision or in the neuronal area or the neurons current evidence suggests that diet rich in omega-3 fatty acids are beneficial particularly for cardiovascular disease and also to some extent in the alzheimer disease cancers and rheumatoid arthritis अब अल्जाइमर डिजीज़ को भी हमने पीछे थोड़ा सा डिफाइन किया था कैंसर्स बहुत बड़ी टर्म है हम इसको यहाँ डिफाइन डिटेल में नहीं करेंगे इसकी स्लाइड सी एविडेंस है कि कैंसर को भी और अल्जाइमर डिजीज़ को लेकिन कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ और रोमेटेड आर्थराइटिस जो कि दोनों रोमेटेड आर्थराइटिस इज पर्टिकुलरली इज़ द डिजीज ऑफ द जॉइंट्स विच इज़ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स के से जो बाई प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसकी वजह से हो रहा है इसी तरह जो है टाइडोवेस्कुलर डिजीज के ऊपर भी इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है बेनिफिशियल इफेक्ट है दिस डिजीज़ प्रिवेंटिंग रोल्स इज ड्यू टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ऑफ दिस ओमेगा थ्री डायरेवेटिव हमने कहा ओमेगा थ्री डेरिवेटिव एंटी हैं जबकि ओमेगा सिक्स वाले जो हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है ताकि वो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेंगे अब ये तीन चार इस इसी मॉड्यूल में ये हम ये तीन चार जो है वो टेबल्स को डिस्क्राइब करेंगे जो हम बहुत डिटेल में नहीं मोटा मोटा हम इसको डिफाइन कर देंगे ब्रीफली मोनो ऑनिक एसिड जिसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड है ये हमने कहा था कि अगर इसमें ये पामिटोलिक एसिड इसका नाम है अगर ये जो है ना 16 कार्बन है इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है नाइन्थ पोजीशन पे और ये मेगा सेवन है तो इसको पामिटोलिक एसिड बोलते हैं इसका हम सिंथेटिक नेम जहाँ लिखा हुआ हैगजा डिओनिक एसिड हम इनको बहुत डिटेल में डिफाइन नहीं करेंगे ये इसकी अक्रेंस है नियरली ऑल फैट्स में सिमिलरली हमने बोला था कि सेमी जो 18 कार्बन कंपाउंड है जो 18 कार्बन लिपिड है जो वो इट इज ऑलिक एसिड एंड इट इज ओमेगा नाइन एसिड इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है जो नाइन्थ पोजिशन पे है पॉसिबल दी पॉसिबली इट इज़ दोस्ट कॉमन फैटी एसिड इन नेचुरल फैट्स पर्टिकुलरली इन दी ओलेव आयल अभी ओलेव ऑयल के अंदर सिर्फ एक फैटी एसिड जो है ना मोस्टली ओलेव ऑयल जो है उसके अंदर ओलिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये ओलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट इसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो जब भी हम इसकी सेचुरेशन करते हैं यानी कि डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देते हैं इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो इसके अंदर कोई चांस फैट बनने का नहीं रह जाता तो इसकी हाइड्रोजिनेशन भी जो है ना वो ख़राब जो है ना वो नहीं करती और हाइड्रोजिनेशन इसकी जो है वो उसको ट्रांस फैट जो कि डेंजरस हैं उसमें कन्वर्शन नहीं कर ली क्योंकि एक ही है इसका बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसकी सेचुरेशन करने से इससे जो हम मार्जिन बनाएंगे वो बेनिफिशियल होगी उसके अलावा भी दिस इज़ ऑलिव ऑयल जो है इट्सल ये अन इसके अंदर एक सिंगल अनसेचुरीशन है नाइन्थ पोजिशन पे ये इसका कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है ये टेबल जो है दिस टेबल में भी मोनो ऑनिक एसिड है जिसके अंदर हम एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे भी वन डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड है लेकिन 18 कार्बन कंपाउंड है ये भी इसमें भी ये हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है लेकिन ये भी नाइन्थ पोजिशन पर है लेकिन ये ओमेगा नाइन जो है वो फैटी एसिड फैमिली से है इट इज़ नोन एज एल एसिड और इस इज हाइड्रोजिनेटेड एंड रोमनेट फैट इसकी अक्रेंस जो है हाइड्रोजिनेट भी हो जाता है और रोमोनेट फैट्स में भी ये होता है रोमनेंट फैट्स को और ट्रांसफैटी एसिड्स को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे इन दी नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स के ये रोमनेट फैट्स क्या होते हैं कहाँ से बनते हैं क्या करते हैं इसी तरह ट्रांसफैट्स को हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है पीछे हाइड्रोजिनेशन में इसी तरह हम ट्रांसफैट्स को भी काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे उसके बेनिफिशियल और अनबेनिफिशियल या dangerous दोनों इफेक्ट्स को दिस इज एन अदर टेबल विच डिस्क्राइब दी डाइनिक एसिड पीसीएम ने मोनायोनिक एसिड डिफाइन किए थे ये डा एसिड ये अगेन 18 कार्बन कंपाउंड है इसके अंदर दो डबल बॉन्ड हैं एक नाइन्थ पोजीशन पे एक ट्वेल्थ पे और ये ओमेगा सिक्स फैमिली से है दिस इज हमने कहा है कि लिनो एसिड को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है ये इसका सिस्टमिक नेम है ऑक्टा ऑक्टा डेकाडियॉनिक एसिड ये हमने कहा है कि जो रूटीन में असेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो सारे सिस्पॉम में होते हैं ये ऑल सिस पॉम में दिस इज प्रेजेंट अक्रेंस इसकी कहाँ पे है कॉर्न ऑयल में पीनट ऑयल में कॉटन सीड ऑयल में सोयाबीन एंड मैनी अदर प्लांट ऑयल्स सो ये मोस्टली ये फैटी एसिड प्रजेंट है इन इस ऑयल में और ये ओमेगा सिक्स है और इट इज़ दिनो लीक एसिड जिसको हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिफाइन किया है कि ये हमारा वन ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड्स दिस इज दिस इज द डायग्राम और द टेबल व्हिच डिफाइंस द ट्राईयोनिक एसिड इट मीन्स कि यहाँ ये भी दोनों इसमें जो डिफाइन किए हैं वो भी दोनों 18 कार्बन फैटी एसिड्स हैं लेकिन दोनों के अंदर तीन-तीन डबल बॉन्ड है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है इस पे 6 9 और 12 पे है जबकि इस पे नाइन ट्वेल्व और फिफ्टीन पे है और यह अल्फेमा लिनोलिनिक एसिड है ये अल्फा लिनोलिनिक एसिड है अब अल्फा लिनोलिनिक एसिड हमने डिफाइन किया था कि ये इट इज एन अदर जो है हमारा असेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमें डाइट में लेना जरूरी है दिस इज ओमेगा 3 फैटी एसिड वाइल दिस इज दिक्स फैटी एसिड सम प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल ऑयल ऑफ इवनिंग प्राइमोस बोरेज माइनर फैटी एसड इन एनिमल्स ये इसके अंदर अक्रासिस की है सिमिलरली अल्फा लिनो लिनिकसिड इज फ्रीकेंटली फाउंड विद लिनो लीक एसिड जो हमने डिफाइन किया था सोयाबीन ऑयल कॉटन सीड ऑयल और डिफरेंट ऑयल में एंड इन लिं सीड ये लिन्ड जो है लिन्ड ऑयल पर्टिकुलरली इन दिन सीड ऑयल या लिंस ऑयल जो है अगर हम उर्दू में या पंजाबी में इस मत इसका तर्जमा करें तो उर्दू में इसको अलसी का तेल बोलते हैं दिस इज नोन एज द सीड ऑयल दिस इज द टेबल विच डिफाइंस द ट्वेंटी और टेट्रानेक फोर डबल बॉन्ड विच इज इलेक्ट्रॉनिक एसिड जिसे हमने डिफाइन किया पिछले मॉड्यूल में कि बहुत सारा कुछ बनता है जो कि थ्रोबोक्साइन प्रोस्टग उसके दोनों तीनों पाथ फेस भी हमने डिफाइन किए हैं जिसमें फोर डबल बॉन्ड्स हैं फाइव एट एलेवन और फोर्टीन पोजिशन पे दिस इज ओमेगा सिक्स फैटी एसिड एंड फाउंड इन एनिमल फैट्स एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन फॉस्कोलिपिड्स इन दम्पोनेट ऑफ फॉस्कोलिपिट इन दिनिमल्स दिस इज दबल डिफाइनिंग दाइव डबल बॉन्ड पेंटायोनिक एसिड ये हम सारा कुछ ये जो हमने अभी तक चार पाँच टेबल डिफाइन किए हैं ये इसकी अक्रेंस जहाँ पे है इनकी ये इसलिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन से फैटी एसिड किस किस जो है न ऑयल में या किस किस जो है ना वो नॉर्म उसमें नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं किस किस इंग्रेडिएंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं कौन से फूड्स में ये ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए हमने इसको ब्रीफली डिफाइन कर दिया ये पेंटा पेंटाक एसिड जो है ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड है ये भी ट्वेंटी कार्बन है और इसके इम्पॉर्टेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन फिश ऑयल इन कॉड लिवर ऑयल एंड डिफरेंट फिश ऑफ सॉलमन फिश एंड अदर्स ऑयल ऑफ फिशेज तो ये अभी तक हमने चार पाँच टेबल में डिफ़ाइन किया है कि कौन कौन से फैट्री एसिड्स हैं जो है जो लिनोलिनिक एसिड लिनोलीक एसिड रेक्डोनिक एसिड इसी तरह पेंटानोक एसिड और इनकी अक्रेंस भी डिफाइन किया है कि ये जो है न नेचर में किस किस मटीरियल में प्रजेंट होते हैं किस किस फूड या किस किस जो है ना उस में इसकी जो है ना प्रजेंस अक्रेंस कहाँ पर है ताकि हम उस फूड को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं अपनी डाइट में जिस जब हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमें हमने डिफ़ाइन किया कि ओमेगा सिक्स और ओमेगा थ्री की एक बैलेंस होना चाहिए डाइट में तो इसकी हमने इसलिए ये अक्रेंस नेचर में डिफ़ाइन कर दी है इस मॉड्यूल में इन टेबल्स में